बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन यूं तो विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है वह अपनी राय रखने से पीछे भी नहीं हटती। 48 वर्षीय अभिनेत्री, जिन्होंने 40 से अधिक फिल्मों में काम किया है और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती, अभिनय कौशल और विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर भी वह अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लगातार सफलता हासिल करने में सफल रही हैं। लेकिन इनके ऐसे राज हैं, काली सच्चाइयां हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐश्वर्या ने साल 1991 में इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता ही था, जिसके बाद ऐश्वर्या आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी की एक एड में नजर आई थी। सन 1994 में ऐश्वर्या ने मिस इंडिया प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, जहां पर दूसरे स्थान पर रही थी, क्योंकि पहले नंबर पर सुष्मिता सेन थी। इसके बाद ऐश्वर्या सुष्मिता सेन से काफी ज्यादा जलन महसूस करने लगी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह भारत में मिस इंडिया में दूसरे नंबर पर आई हैं। फिर इसी के बाद ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड की तैयारी में जुट गई, जो कि साल 1994 में ही आयोजित हुआ। आखिर ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत ही लिया। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने हेमंत त्रिवेदी के साथ भी इश्क लड़ाया था। ऐश्वर्या ने जो गाउन पहनकर मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, उसे हेमंत ने ही तैयार किया था, इसलिए ऐश्वर्या ने उनके साथ बहुत मजे किए थे। उसके बाद भी उन्हें फिल्मों में लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, जिसके कारण खिताब मिलने से 2 से 3 सालों तक ऐश्वर्या मॉडलिंग में ही अपनी रोजी रोटी कमाती रही। मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या का दिल राजीव मूल चंदानी पर आया था। कहा जाता है कि जब ऐश्वर्या अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उन्होंने राजीव को डेट किया था। राजीव अपने जमाने के जाने माने मॉडल रह चुके हैं। दोनों का यह रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए थे। और जब ऐश्वर्या पर डायरेक्टर्स की नजर पड़ी, तब जाकर उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। साल 1997 में, जो कि तेलुगु फिल्म हीरोवर थी, जिसे मणिरत्नम ने निर्देशित किया था। इसके बाद बॉलीवुड में भी एक फिल्म इसी साल में मिल गई, जो थी और प्यार हो गया, जिसमें लीड रोल में थे बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय। पहली हिंदी फिल्म ऐश्वर्या राय की फ्लॉप साबित हुई, लेकिन ऐश्वर्या की इन्हीं फ्लॉप फिल्मों से फिल्में मिलना शुरू हो गई। लेकिन 1998 में ऐश्वर्या की किस्मत मानो खुल सी गई। उनकी इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद एक और पहली फिल्म हिट हुई और वह थी जीन्स, और बॉलीवुड में सफलता मिली साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, जो कि अजय देवगन और सलमान खान के साथ थी। हम दिल दे चुके सनम फिल्म ऐश्वर्या के जीवन में कई मायनों में टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। एक तो इस फिल्म ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था, और दूसरी ओर अहम बात जो थी वह यह थी कि इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। साल 1999 में ही ऐश्वर्या की एक और फिल्म आती है ताल, जो कि सुभाष घई की मूवी थी। इस फिल्म के बाद मीडिया में काफी बातें चलने लगी थी, और उसका कारण एक तो सुभाष घई और ऐश्वर्या की अतरंगी फोटोस मीडिया में आने लगी थी, और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार यह बातें भी फैलने लगी थीं कि ऐश्वर्या ने फिल्म ताल के लिए सुभाष घई के साथ कंप्रोमाइज किया है। लेकिन यह बातें जितनी तेजी से उठीं, उतनी ही तेजी से दब गईं, क्योंकि इसका कारण था सलमान खान। ऐश्वर्या और सलमान खान की प्रेम कहानी के एक साल बाद ही इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की खबरें आने लगी थीं। उसके बाद फाइनली 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाता है। जितनी खबरों में इनकी प्रेम कहानी नहीं थी, उससे कई ज्यादा सुर्खियों में इन दोनों का ब्रेकअप रहा। दरअसल ऐश्वर्या ने उन दिनों मीडिया में बयान दिया था कि सलमान खान ने उन्हें फिजिकल, इमोशनली और मेंटली हरास किया है। उस समय ऐश्वर्या के चेहरे पर कई बार चोट के निशान भी देखे गए थे, और उसका कारण क्या था आप समझ सकते हैं। ऐश्वर्या ने सलमान खान को समझने में 4 साल का समय लिया और अंत में ब्रेकअप कर लिया। साल 2005 में ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता था। तभी अमिताभ के साथ ऐश्वर्या ने एक गाना किया था कजरारे, जिसमें अभिषेक बच्चन भी साथ में थे, यानी दोनों बाप बेटे, और उन दोनों के बीच में थी ऐश्वर्या राय। इस दौरान यह अफवाह भी काफी जोरों पर थी कि ऐश्वर्या के लिए अमिताभ ने पूरा एक फ्लोर बुक करवा दिया है। पूरे फ्लोर को बुक करवाने के पीछे की क्या सच्चाई है, इसके बारे में काफी मीडिया में चर्चा हुई थी। वैसे ऐश्वर्या का बड़े घर की बहू बना भी कोई इत्तेफाक नहीं है।
दरअसल सलमान खान के कारण ऐश्वर्या का कैरियर पूरी तरह बर्बाद के कगार पर पहुंच गया था। उन्हें किसी बड़े कलाकार का साथ चाहिए था ऊपर उठने के लिए, और उसके लिए ऐश्वर्या राय अपना नाम किसी बड़े घराने से जोड़ना चाहती थी ताकि अपना जो भविष्य है उसको वह सिक्योर कर सके। साल 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली और अभिषेक समेत पूरे घर को अपने कंट्रोल में करने लग गई। अभिषेक जब भी कोई मूवी या फिर वेब सीरीज में काम करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लोज होता था जिसमें यह मेंशन होता था कि वह स्क्रीन पर किसी भी हीरोइन के साथ किसी भी प्रकार के इंटीमेट सीन नहीं देंगे, और यह जो क्लोज है इसे ऐश्वर्या ने अपनी शादी के बाद कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाया है। इस कारण भी अभिषेक बच्चन को बहुत से डायरेक्ट अपने फिल्म में कास्ट नहीं करते हैं। अगर ऐश्वर्या की फिल्मी करियर की बात की जाए तो ऐश्वर्या ने धूम 2 में जमकर ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन्स दिए थे, जबकि वह धूम 2 के दौरान अभिषेक बच्चन के साथ में रिलेशन में थी, क्योंकि यह फिल्म साल 2006 में आई थी। धूम 2 ऋतिक रोशन के साथ में किसिंग सीन्स को लेकर भी काफी ज्यादा बवंडर खड़ा हुआ था, और वह बवंडर खड़ा करने वाली थी अभिषेक बच्चन की फैमिली। यह भी कहा जाता है कि अभिषेक की फैमिली ने इस सीन को हटवाने के लिए यशराज बैनर से संपर्क भी किया था। ऐसे ही बवंडर हुआ था। ए दिल्ले मुश्किल के दौरान ऐश्वर्या ने अपने 10 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ इंटीमेट सीन्स दिए थे, वह भी एक 7 साल की बच्ची के होते हुए। इस सीन को लेकर भी बच्चन परिवार ने काफी तांडव किया था, लेकिन बताया जाता है कि इस सीन के दौरान खुद ऐश्वर्या ने अपनी रजामंदी दी थी कि वह फिर से फिल्मों में वापस आना चाहती है और हर तरह के रोल करना चाहती है, फिर चाहे उसके साथ असलियत में ही वह सब क्यों ना हो रहा हो, लेकिन जिस फिल्म में वह काम करेगी वह हर हाल में वह फिल्म हिट होनी चाहिए। क्योंकि ऐश्वर्या जो शादी के बाद बॉलीवुड की दुनिया से गायब हो चुकी थी, अब खुद को लीड रोल में जमाना चाहती थी। इसके लिए वह ताल मूवी की तरफ कुछ भी करने को तैयार थी। रणबीर कपूर के साथ में जिस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन ने सीन्स दिए थे, वह भी अभिषेक बच्चन को बिना बताए। उस समय बच्चन परिवार में काफी तहलका मच गया था। उस समय मीडिया में खबरें चली थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय से तलाक लेने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे जो मामला था पूरी तरह से शांत हो गया। वैसे दोस्तों, ए दिले मुश्किल फिल्म के दौरान बच्चन परिवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके करण जौहर से सीन्स को हटाने के लिए कहा था, लेकिन करण जौहर ने यह बात ऐश्वर्या को बता दी, जिसके बाद ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार को काफी लताड़ा था। इधर ऐश्वर्या के समर्थन से करण जौहर ने फिल्म के इंटीमेट सीन्स को किसी भी हाल में डिलीट नहीं किया। वैसे दोस्तों, करण जौहर के द्वारा सीन्स डिलीट करने का कोई मतलब बनता भी नहीं था, क्योंकि सारे सीन्स ऐश्वर्या ने अपनी मर्जी से दिए थे, और वह भी खुद कहकर। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय को ना तो कोई फिल्म और ना ही कोई एड ऑफर की गई है। सिर्फ अनिल कपूर और राजकुमार राव के साथ थोड़ी देर के लिए नजर आई थी। इन सब के पीछे भी बच्चन परिवार का हाथ बताया जाता है। खैर, आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।